सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूबिया फातिमा है। आई एम ए सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और आज का जो ये वीडियो है वो स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है कि उन्हें किस तरीके से, मतलब जिन्होंने नीट 2020 दिया था हाल में, उन्हें किस तरीके से पढ़ना चाहिए अपने फर्स्ट ईयर में या किस तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। मैं इस पर और भी बहुत वीडियोज़ बनाऊंगी आगे चल के, सब्जेक्ट वाइज भी बनाऊंगी, मतलब नैट का, फिजियो का, बायोकेम का, बट ये वाला वीडियो हम स्पेशली मतलब थोड़ा सा समरी टाइप्स बनाए हैं। हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा आइडिया देंगे आप लोग को कि आप लोग को पढ़ने में इजी हो, एनाट, फिजियो या बायोकेम। सो लेट्स बिगिन। बात करें एनाट की तो मतलब एनाट से ही शुरुआत करते हैं, एनाटमी से, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट होता है जो फर्स्ट ईयर वालों को हॉन्ट करता है। मतलब जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं या फिर जैसा हम भी फील किए, मतलब हम उतना नहीं फील किए क्योंकि एनाट हमको पढ़ना में मतलब हमको एनाट पढ़ने में मज़ा ही आता था, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हॉन्ट हो, मतलब डरते हैं इस सब्जेक्ट से क्योंकि इसमें टर्म्स या फिर इसके चैप्टर्स बहुत टफ होते हैं। हम इससे इसलिए पर्सनली नहीं डरते थे क्योंकि हमको नया नया मतलब बोन्स और ये सब वर्ड्स और भी अलग अलग टर्म्स पढ़ने में मज़ा आता था ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू बायोकेम या फिजियो जो लगता था थोड़ा थोड़ा पढ़ा पढ़ा चैप्टर्स है तो उसको उतना पढ़ने में मन नहीं करता था, इसलिए हम एनाट ज़्यादा प्रेफर करते थे पढ़ना। तो एनाट में हम बेसिकली बी डी चौरसिया ही यूज़ करते थे, बहुत लोग विश्रम सिंह भी यूज़ करते हैं बट हम अपना पर्सनल बता रहे हैं बी डी चौरसिया। तो आप लोग दोनों बुक प्रेफर कर सकते हो, दोनों, अगर ज़्यादा डिटेल में किसी को जाना होगा तो ग्रेज एनाटमी ले सकता है, बट वो मेरे लिए तो एकदम ज़रूरी नहीं था और हमको नहीं लगता आप लोग के लिए भी ज़रूरी हो, तो ग्रेज एनाटमी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, जितना भी इंटरनल्स एग्ज़ाम होता है उसके लिए तो मतलब मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना अच्छा होता है। और पढ़ाई किस तरीके से करनी है, अगर एक साथ लेके बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो स्टार्टिंग में जब भी, जैसे एनाट में स्पेशली कोई चैप्टर, अगर कोई पर्टिकुलर बोन पढ़ाया जा रहा है, तो जब पढ़ाया जाए उस टाइम बुक ओपन रख के समझने की कोशिश करना और उसके बाद जस्ट रूम में आके एक बार रिविज़न कर लेना, तो वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ज़्यादा ढेर सारे आलतू फालतू बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही बुक्स रखिएगा आप सब और उसी से पढ़ाई कीजिएगा। मतलब और एक दो बुक जो आपके टीचर प्रेफर करें या बता दें तो वही सब खरीद लीजिएगा, ज़्यादा वेस्ट होता है। मेरे पास बहुत से ऐसे एनाट के बुक है जो वेस्ट हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, जो मैंने मतलब हम पढ़े ही नहीं थे कभी फर्स्ट ईयर में आज तक। और जनरली क्या होता है कि जब स्टार्टिंग होती है तो अपर लिम्स सब बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग होता है क्योंकि, तो अपर लिम्स सब बहुत अच्छे से कवर हो जाता है, बट जब लोअर लिम के पास जाते हैं और डाउन के पास जाते हैं तो उस टाइम या तो टाइम कम बचता है, सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करा देते टीचर्स, या फिर खुद का इंटरेस्ट चला जाता है, तो लोअर लिम तो कभी अच्छे से कवर नहीं होता और एब्डोमेन में भी बहुत टाइम लग जाता है या हेड एंड नेक में। तो बस एक टॉपिक थी मेरी जो बहुत अच्छे से कवर हुई थी, वो थी अपर लिम, बाकी में एक प्रॉब्लम हुआ था जो लास्ट में सॉर्ट आउट करना पड़ा था और लास्ट में यूनिवर्सिटी टाइम बहुत ज़्यादा हेडेक एक साथ हो गया था। उसके लिए क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा हमेशा पढ़ते रहना है, अपर लिम हो गया, लोअर लिम या एब्डोमेन शुरू हो तो थोड़ा थोड़ा उस टाइम ही पढ़ते रहना है सब, ये नहीं छोड़ देना मेन एग्जाम के लिए, इंटरनल एग्जाम के एक दिन पहले पढ़े उसके लिए नहीं छोड़ देना। तो जैसे कि मैंने बताया, मतलब हम बताए कि इंटरनल एग्जाम्स के लिए तो टेक्स्ट बुक्स ठीक से जैसा हम बताए वो सब सही है, लेकिन अगर आगे का सोचना है, अगर फर्स्ट ईयर से ही पीजी की तैयारी करनी है या आगे का फ्यूचर का सोचना है तो उसके लिए टेक्स्ट बुक्स इफेक्टिव नहीं होते हैं, या फिर एग्जाम्स ही आ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है या फिर रैपिड रिवीजन करना है एग्जाम से एक दिन पहले, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक्स थोड़े से मतलब लेंदी हो जाते हैं। तो उस केस में ऑनलाइन क्लासेस की तरफ बढ़ सकते हैं हम लोग। जैसे मेरे हिसाब से, हमको भी मेरे सीनियर प्रेफर किए थे कि फर्स्ट ईयर में ही अगर थोड़ा बहुत चाहिए कि आगे चल के भी मतलब हेल्प करे पीजी में ही फर्स्ट ईयर से ऐसा पढ़ो, तो उसके लिए मतलब ऑनलाइन क्लासेस यानी प्रेप लैडर वो लोग प्रेफर किए थे कि प्रेप लैडर का ऑनलाइन मतलब वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन कर लेना और उसके बाद उसका वीडियो लेक्चर देखना, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रही उसके लिए भी, और उसका जो क्वेश्चन बैंक था वो सब सॉल्व करने से होता ना क्लियर हो जाता है, एमसीक्यू ऐसे भी सॉल्व करने का आदत होता है आफ्टर नीट देने के बाद, और उसके अलावा एग्जाम से पहले रैपिड रिवीजन वाला जो वीडियोस होता है उसे तुरंत से, मतलब कोई भी नैट का हो गया स्पेशली जस्ट मतलब यूनिवर्सिटी से पहले, उसके लिए वो वीडियो देखना सही रहता है। तो जैसे हम प्रेप्लैडर लिए हुए हैं तो इसके जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, जैसे एनाटमी में डॉक्टर राजेश कौशल लेते हैं, वैसे ही फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में, तो जैसे एनाटमी वाला हम लोग खोले तो इसमें सारे वीडियो लेक्चर्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, फिर पूरा एम्ब्रायोलॉजी है, क्योंकि एम्ब्रायोलॉजी का बहुत लोगों को बुक्स नहीं मिलता है तो समझ में नहीं आता कि क्या पढ़े, उसके लिए भी है गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद सब कुछ अच्छे से वीडियो लेक्चर्स से है। उसके बाद हिस्टोलॉजी है, जो कि हिस्टोलॉजी का भी बुक्स अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाता है, ऑस्टियोलॉजी, न्यूरोनाटमी तो सबसे ज़्यादा टफ रहता है, मतलब हमको तो समझ ही नहीं आता था न्यूरोनाटमी बुक्स से सिर्फ पढ़ते तो, मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, उसका ज़्यादा डायग्राम्स पे फोकस करना होता है, तो आप सब भी ज़्यादा डायग्राम्स पे फोकस करिएगा एग्जाम में, वो स्पेशली आता है।
और उसके अलावा वीडियोस के अलावा क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना मेरे लिए आई गेस कोई भी चैप्टर के बाद एक तरह से आदत हो गई है, तो उससे हेल्प ही होता है क्योंकि उससे एक बार रिटेन कर जाते हैं सारे के सारे, मतलब जितना भी पढ़े होते हैं सब कुछ वापस से रिटेन कर जाते हैं और लगता है कि हाँ पढ़े थे. और उसके अलावा जैसे कि हम बताएं रैपिड रिविजन के बारे में, तो रैपिड रिविजन तो मतलब एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट होता है, उसका एक समरी टाइप्स देख लेना. इस तरीके से सारे वीडियोस रहते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं. जैसे ये हेड एंड नेक का है, तो ये वीडियो में बुक मार्क हो गया, स्लाइड्स हो गया, अगर कंप्लीट हो गया तो. उसके अलावा नोट्स हो गया, नोट्स भी मिलता है मतलब प्रेप्लैडर के, अगर नोट्स चाहिए स्पेशली नोट्स टाइप से पढ़ना हो तो वो भी है. जहाँ तक फिजियो की बात है तो बहुत से लोग गाइटन प्रेफर करते हैं, बहुत से लोग एके जैन प्रेफर करते हैं. मेरे हिसाब से हम दोनों का दोनों बुक प्रेफर किए थे क्योंकि कोई भी एक बुक मेरे लिए पर्टिकुलरली सफिशिएंट नहीं हो सकती है मतलब सारे चैप्टर्स के लिए. जैसे कि मेरे हिसाब से एके जैन का ब्लड वाला चैप्टर ज़्यादा अच्छा है, गाइटन में से CNS पढ़ सकते हैं. तो मतलब ऐसा है कि अलग अलग चैप्टर अलग अलग बुक से पढ़ सकते हैं. बहुत से लोग लास्ट में सेम्बुलिंगम ले ही लेते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज दिया हुआ है, वो एकदम लास्ट के लिए, वो एकदम एग्जाम टाइम के लिए. अगर एकदम पूरे साल नहीं पढ़ पाए आप लोग तब जाके सेम्बुलिंगम लीजिएगा, वरना अगर स्टार्ट किए तो ट्राई करिएगा कि लैग नहीं करने. मतलब बहुत लोग चुने ही पढ़ते हैं, हम अपना भी बता रहे कि हम उतना अच्छे से नहीं फिजियो पढ़े थे, बट अगर स्टार्टिंग से ही ट्राई करिएगा कि जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ रहने का. अगर आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो नोट्स तो हमेशा बनाना है, जो भी टीचर पढ़ाए साथ साथ में नोट्स बनाना. अगर नोट्स पूरा बना नहीं भी रहे तो क्या टॉपिक टीचर पढ़ाए. अगर हम हमेशा मतलब मेरा आदत है नोट्स बनाने का जब भी टीचर पढ़ाए, बट अगर गलती से नोट्स नहीं बन पाया तो फिर कौन सा टॉपिक पढ़ाए आज टीचर, वो तो नोट डाउन कर ही लेते थे कि एटलीस्ट जाके वो देख ले या कोई बुक में रिवाइज कर ले कि अच्छा ये टॉपिक है और अगले वीक मतलब इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे टीचर. तो फिजियो में थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत, मतलब ईजी भी है फिजियो टफ भी है, मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें हैं. ईजी इसलिए कि सारे चैप्टर जो भी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं वही पढ़ाई होती है डिटेल में, और टफ ये कि हम लोग उसको छोड़ देते हैं और लास्ट के लिए रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो उसको छोड़ना नहीं है. और उसके लिए भी अगर आप सब चाहते हैं तो प्रेप लैडर के नोट्स ले सकते हैं, नोट्स भी आए नए, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी. और उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स भी हैं डॉक्टर विवेक के, तो वो भी बहुत अच्छे से समझाते हैं. तो उससे भी कोई भी ऐसा टॉपिक जो टीचर से समझना है, या फिर अगर तुम्हारी क्लास के टीचर अच्छे से आप सबके नहीं समझाएं तो उसके लिए फिर वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं प्रेप लैडर से. जहाँ तक बायोकेमिस्ट्री की बात है तो बायोकेमिस्ट्री मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में हमको लगा था कि बहुत ईजी है, बट उसमें मेरा मार्क्स उतना नहीं अच्छा आता था. पता नहीं क्यों बायोकेमिस्ट्री में मार्क्स उतनी अच्छी नहीं आई थी फर्स्ट सेम में मुझे, बट सेकंड सेम में मेरा बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा गया था. तो उसके बेसिकली क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट्स टाइप के, जैसे 10 टॉपिक दे देगा उसमें बोल देगा कि इसमें शॉर्ट नोट्स लिखो, इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. उसके अलावा और भी तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो बायोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग पढ़ाई की कैसे करनी है, सर जब बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री की बुक्स में हम लोग ये दोनों बुक्स का बहुत नाम सुनते हैं, वासुदेवन और सत्यनारायण. तो दोनों ठीक है, बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि वासुदेवन का मतलब वासुदेवन खरीदना आप लोग, तो मेरे हिसाब से हम भी वासुदेवन खरीदे थे एंड इट इज़ अ परफेक्ट बुक आई गेस. उसके अलावा और कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो वासुदेवन में एक्चुअली सब कुछ है और प्रिसाइज है, तो बहुत अच्छे से उसमें समझाया भी गया है. तो थोड़ा बोरिंग कोई कोई चैप्टर्स लगता है क्योंकि मतलब थोड़ा सा वो आउट ऑफ उतना ज़्यादा उसमें मतलब थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स बोरिंग है, बट 2-3 बार पढ़ना, उसको बहुत बार रिवाइज करना होता है वो चैप्टर्स को, क्योंकि और पूरा बुक नहीं पढ़ना है. उसमें भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरा बुक नहीं याद करना होता है कभी भी. मेडिकल कॉलेज में कोई भी पूरी बुक नहीं रखनी होती इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यही सब दोबारा दोबारा रिपीट करता है. तो उसी वही टॉपिक्स को फोकस करके वही चैप्टर्स बार बार पढ़ने हैं, ना कि पूरा बुक रट जाना है. तो तीनों चैप्टर स्टार्ट करें वैसे हाँ, मतलब अभी जैसे स्टार्ट अगर कर रहे हैं, अभी कोई एग्जाम नहीं है, अभी तुम लोग यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, तो अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना शुरू मत कर देना. बट हाँ, एक गाइडलाइन लेने के लिए कि कैसा क्वेश्चन आता है उसके लिए देख सकते हैं, बट वो बेसिकली एग्जाम के टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना. अभी चैप्टर वाइज जैसे जैसे पढ़ाई होगा वैसे वैसे बुक्स से रीडिंग करना. नहीं समझ में आ रहा है तो ऑनलाइन लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स प्रेप लैडर्स के, उससे उसके वीडियोज़ देखना. अगर टीचर नहीं अच्छे समझा पा रहे हैं उसके वीडियोज़ देखना. बायोकेमिस्ट्री में भी डॉक्टर स्माइली हैं, वो भी बहुत अच्छे से समझाती हैं, तो उनके वीडियोस देखना और टेक्स्ट बुक का यूज़ करना. मेरे हिसाब से ये दो परफेक्ट कॉम्बो है. क्लास में जो पढ़ाई हो रही है उसको घर में आके रिवाइज़ कर, मतलब हॉस्टल में आके या घर जहाँ पे भी वो आके रिवाइज़ करना, फिर वीडियोज लेक्चर्स देखना, क्वेश्चन बैंक बनाना. उससे अगर इस हिसाब से चलते जाएंगे आप लोग तो आई गेस आई डोंट थिंक कि कोई भी दिक्कत आएगी. एंड अगर नहीं पढ़ने का मन करता है, बहुत लोगों को मस्ती करने का भी मन करता है, तो
करो, लास्ट में एग्जाम के टाइम अचानक से बर्डन आ जाएगा, वो सबके साथ होता है, तो फिर उस टाइम देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, बाय।